यहाँ इन्वाइट करने का, है ना। आप लोगों के अंदर में जो इम्प्रूवमेंट हमको करनी है एज वेल एज ऑल्सो फॉर मी एंड फॉर माय स्टाफ, है ना, हमको हर दिन हर समय हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। जब हम एक लाइफ साइकिल को देखेंगे, मैं आपको एज अ मेडिकल पर्सन ही समझाना चाहूँगा, जब हम लाइफ साइकिल को देखते हैं, जब कोई बर्थ होता है, बेबी पास आउट होता है, जब वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है तो वो अपने से कुछ भी चीज़ को नहीं सीखता। जब वो बेबी ही रहता है तब भी उसको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जिसको देख करके जिसको सुन करके वो क्या करता है, अपने लाइफ को ग्रो करता है। ओके है, करता है, ठीक है। उसी के अनुसार जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमको क्या होता है कि हम तो अभी मेडिकली आपको जितना भी आपको बताना है, हम जितना भी आपको अध्ययन कराना, स्टडिंग करानी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, तो हम आपको उसी में फोकलाइज कर रहे हैं। बट आप जब यहाँ से फील्ड में जाते हो, एक नया एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद आप अपने जॉब लाइफ में जाओगे, संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग आप लोगों से आप पर मिलना जुलना होगा, है ना, ठीक है नहीं। तब अपन क्या करते हैं उस सब सिचुएशन से, क्या अपने आप को ऊपर, कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, ठीक है, तो उस सिचुएशंस को कैसे कोप अप करना है, कैसे अपने आप को बिल्ड करना है, कैसे अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल को लाना है, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। अगर आप उस कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं रखोगे अपने अंदर में, तब तक आप अपने क्या कर सकते हो, कहीं पर भी जाकर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, सर को बुलाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम चाहते हैं कि सर आज आप लोगों के बीच में जो सेशन है वो आप उनसे मोटिवेट हो, क्योंकि सर का काम यही है कि उन्हें बहुत, तो मैं समझता हूँ बहुत समय पहले ही सर ने स्टार्ट कर दिया था, और विभिन्न क्षेत्रों में सर का मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उनका जाना और आना लगे रहता है। इवन उनके बहुत प्रेशियस टाइम में उन्हें हमारे कॉलेज के लिए टाइम निकाला है कि वो आज आप लोग के बीच में आप सम्मिलित होने पाए। तो मैं चाहता हूँ कि सर से और हमारी पूरी कॉलेज की टीम के यही अपेक्षा है कि सर आपसे कि ये जो मैंने तो सर को अटेंड किया हूँ प्रीवियसली भी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सर को सुने और इनसे बहुत ज़्यादा आप लोग मोटिवेट हों, ताकि अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा प्रेरणा के रूप में सर का जो सर्वर रहेगा वो आप लोग के लिए आज काम आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।